और उसके बाद हम लोग देखते हैं गूगल के कुछ सर्च। जनरली हम लोग ये सब सर्च इंजन यूज़ तो करते नहीं, कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं, अच्छी है। और लेकिन हम लोग देखते हैं कि गूगल में ऐसे क्या क्या तरीके हैं जिससे हम लोग सर्च कर सकते हैं और हम लोग बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं कुछ चीज़। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ सर्च कुछ कर रहे हैं, उसका ऑफिशियल साइट नहीं मिल रहा है ना, दूसरा दूसरा साइट में आ रहा है, और सारे लोग अपना अपने अपने साइट में लाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे ऐड लगा के पैसा कमाते हैं सब। तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा सर्च का ट्रिक आना चाहिए जो कि हम लोग के हेल्पफुल हो सकता है। जैसे सबसे पहले तो कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे कि सिंपल डॉग सर्च किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डॉग से रिलेटेड जितना भी वेबसाइट है सारा चीज़ आ गया यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे साइट्स हैं, ठीक है, इतने सारे रिजल्ट, इकाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़। देखिए मतलब 6 अरब 0.67 सेकेंड में सर्च करके गूगल लाता है। इसलिए यहाँ पे गूगल जो सर्च इंजन है उसको सबसे बेस्ट माना जाता है। मतलब ये बहुत फास्ट और इतने सारे साइट को सर्च करके ला देता है और रिलेटेड भी ला के देता है। तो यहाँ पे जैसे सिंपल कुछ भी सर्च करते हैं तो यहाँ पे उस चीज़ का आता है, जैसे यहाँ इमेजेस कर दिया तो यहाँ पे इमेजेस आना चालू कर दिया। और सर्च करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग जो चीज़ें हैं, टैब्स बोलते हैं जिसको, तो इससे भी हम लोग छांट सकते हैं। जैसे इमेज देखना है तो इमेज है, वीडियो है तो वीडियो है, और यहाँ पे क्या चीज़, शॉपिंग है तो शॉपिंग है। तो ये वाह, कुत्ता भी बिकते हैं, फ्री डिलीवरी। बहुत अच्छी बात है यार। तो ये था सर्च इंजन के बारे में। ये सर्च ट्रिक था एक, तो कि मतलब टैब से अलग अलग देख सकते हैं, वीडियो देखना है, मैप देखना है, क्या देखना है, जो भी है, न्यूज़ देखना है, जो भी सर्च करेंगे उससे रिलेटेड। और दूसरा चीज़ देखते हैं कोड को यूज़ करते हैं, जैसे कि कुछ कोड यूज़ करते हैं, मतलब उस शब्द कहीं भी कोई भी साइट के कंटेंट में रहेगा ना तो वो चीज़ आ जाता है। जैसे कि क्या शब्द लिखे यहाँ पे, कुछ तो शब्द लिखो। हाँ, जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा मैंने, तो हेलो वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी, देखिए यहाँ पे बोल्ड में आ गया है, तो हेलो वर्ल्ड से रिलेटेड जितना भी कंटेंट आपको मिलेगा साइट में वो सब यहाँ पे वो मस्ट भी इंक्लूडेड वाला चीज़ आ जाएगा। मतलब वो चीज़ रहेगा ही टेस्ट हर साइट के वो चीज़ में। और वैसे जैसे बीच का वर्ड अगर आप भूल जाते हो कुछ सर्च करते समय, तो उसके बीच में आप स्टार लगा दो, तो स्टार की जगह ना कुछ फील कर देगा। जैसे यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड के बीच में टू द, हेलो टू द वर्ल्ड, है ना। तो ये फीचर है इसका, जैसे यहाँ पे कॉमा लगा दिया बीच में, यहाँ पे हेलो और बीच में समथिंग, तो स्टार लगा के अगर बीच का चीज़ कुछ भूल जाते हो तो ऐसे स्टार लगा के सर्च कर सकते हो, जिससे उसके बीच में रिलेटेड वो गूगल जो है अपने से कर देते हैं बहुत सारा चीज़। तो ये एक ट्रिक हो गया। और क्या हो सकता है, हाँ, और जैसे हम लोग रिलेटेड साइट सर्च करते हैं, जैसे कि अपने पास अमेज़ॉन है शॉपिंग के लिए, ठीक है, अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन सर्च किए, लेकिन अपने को दूसरा साइट चाहिए ऐसी शॉपिंग के लिए, लेकिन अपने को नाम ही पता नहीं है ना। जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह तो पता है, और क्या क्या चीज़ है चल देखते हैं। इसके लिए हम लोग सर्च करते हैं रिलेटेड, रिलेटेड, रिलेटेड मतलब इससे संबंधित। यहाँ पर रिलेटेड करके कॉलन लगा दिए, अब सर्च करेंगे देखना अमेज़ॉन के अलावा जो बाकी भी जो इस टाइप के साइट्स हैं डिलीवरी वाले, देखा टेड बूमर है, और ये क्या है, सिमिलर वेब .com, डॉलर स्पॉट या रोलिंग स्टोन, क्या क्या है पता नहीं, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ ये सारी कंपनी। तो रिलेटेड करने में क्या चीज़ है, हम लोग को उससे रिलेटेड कंपनीज मिल जाती है जिसको हम लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ बेचती होगी, थ्री मार्केटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सॉन्ग करता हूँ, जैसे सीजी सॉन्ग सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए YouTube.com आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ YouTube के अलावा दूसरा चीज़ का भी मैं देख रहा हूँ, मतलब YouTube नहीं चाहिए मेरे को, तो YouTube को नहीं चाहिए तो उसके लिए क्या कहें, माइनस लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ YouTube, इतना लिखते ही देखिए YouTube को पूरा हटा दिया, YouTube के अलावा जो भी वेबसाइट है सारा चीज़ दिखा रहा है। तो ऐसे करके जिस चीज़ का माइनस लिख दोगे उस चीज़ को हटा देगी, जैसे फेसबुक वगैरह भी दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये फेसबुक वगैरह, तो फेसबुक को भी माइनस करता हूँ यहाँ पे।
अब फेसबुक लिख दिया तो फेसबुक और यूट्यूब दोनों को माइनस कर दिया, दोनों हट गया। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा दोनों को हटा के, अगर गाना डॉट कॉम आ रहा है उसको माइनस कर दिया। तो आप माइनस करके जिस साइट का नहीं देखना चाहते उसको माइनस कर सकते हो, और या फिर जिस साइट का आप चाहते हो तो यहाँ पे आप उसको कॉल लगा के उस चीज़ का नाम भी लिख सकते हो। और अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कॉल लगा के यूट्यूब लिख दिया तो यूट्यूब यूट्यूब ही आ रहा है, बाकी कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है कि आप केवल एक ही साइट से चाहिए, आपके फेवरेट साइट से जैसे YouTube.com से चाहिए, यहाँ पे यूट्यूब लिख दे कॉलन लगा के, जो भी चीज़ आ रहा है यूट्यूब से आ रहा है। अगर हटाना है तो उसका क्या चीज़ कर दिए, माइनस कर दिए। ठीक है, तो ये एक तरीका है। और क्या तरीका है, हाँ, और जैसे आपको फाइल टाइप किस टाइप का चाहिए, जैसे यहाँ पे वीडियोस आ रहा है तो, अब लेकिन मेरे को चाहिए ऑडियो चाहिए, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, फाइल टाइप यहाँ पे लिख दूँगा ऑडियो। स्पेलिंग सही है, ऑडियो का तो कुछ मिला ही नहीं इसको। यहाँ पे जैसे कि क्या लिखूँ, हाँ जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर नोट, कंप्यूटर नोट लिखा और मुझे चाहिए पीडीएफ। तो यहाँ पे तो ऐसे लिख सकते हैं कंप्यूटर नोट पीडीएफ, है ना। तो यहाँ पे पीडीएफ वगैरह आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो ये पहला जो साइट आ रहा है इसमें पीडीएफ नहीं आ रहा है, ये वेबसाइट का लिंक है उसके अंदर में पीडीएफ होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बस पीडीएफ पीडीएफ ही आए। तो उसके लिए क्या कर दूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा फाइल टाइप और यहाँ पे लिख दूँगा पीडीएफ। तो देखिए फाइल टाइप पीडीएफ, तो यहाँ पे देखिए सीधा पीडीएफ का लिंक आ रहा है, यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो सीधा पीडीएफ ही खुलेगा। ये देखिए पीडीएफ पीडीएफ दिखा रहा है। वैसे ही हमने को पीपीटी चाहिए तो यहाँ पे पीपीटी लिख सकते हैं। अब देखिए पूरा पीपीटी पीपीटी में रिजल्ट आ रहा है, मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। तो आपको जैसा रिज़ल्ट चाहिए, उस जिस फाइल टाइप चाहिए, अगर डाउनलोड हो गया है तो व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। तो ये क्या होता है, सर्च करने का तरीका होता है, और भी छोटे छोटे और माइन्यूट चीज़ रहता है सर्च करने का, वो सब भी आप देख सकते हैं। जैसे एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे कि कुछ कैलकुलेट करना है ना, तो हम लोग यहाँ पे सीधा लिख देते हैं, जैसे 5 + 7, 5 + 7 लिखे तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर खुल के आ गया और उसका रिज़ल्ट भी आ गया, 5 + 7 = 12। ठीक है, वैसे ही जोड़ने के लिए प्लस यूज़ करते हैं, माइनस करने के लिए माइनस यूज़ करते हैं, मैंने हाइफन या फिर बोलते हैं जिसको, और गुणा करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टार का, और 7 × 5 = 35, और क्या भाग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं स्लैश का। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बहुत सारा पूरा यहाँ पे देखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर का पूरा आ गया है अपने पास। यहाँ पे हम लोग साइन कॉस वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, लॉग एक्सपोनेंट आंसर जो भी चाहिए अपने पास। इतना सारा गंदा लगा दिया तो एरर बता रहा है। तो ये एक अच्छा फीचर, वैसे कुछ कन्वर्जन करना रहता है यूनिट कन्वर्जन, तो यहाँ पे लिख सकते हो मीटर टू फीट लिख दिया, तो यहाँ पे देखिए यूनिट कन्वर्जन का आ गया। तो ऐसे जैसे मुझे टाइम जानना है अभी क्या है, तो बस टाइम लिखो यहाँ पे, टाइम आ जाएगा। आपको लोकेशन जानना है, लोकेशन लिख दो। तो गूगल में सर्च करना इतना आसान है, आप जो लिखोगे वो आ जाता है। आपको अपना आईपी एड्रेस लिखना है, आईपी एड्रेस लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी आईपी एड्रेस तो क्या चीज़ है वो बता देगा, माई आईपी एड्रेस। यहाँ पे देखो आपका आईपी एड्रेस आ जाएगा, आप जो सर्च करो वो आ जाएगा। और सर्च करने का और एक अच्छा तरीका बताता हूँ, जैसे आपने कुछ चीज़ देखा और उस चीज़ को आपको नाम नहीं पता है, जैसे कोई पेड़ रहता है या फिर कोई फूल अच्छा लगता है लेकिन उसका नाम याद नहीं आते रहता है, तो उसको आप जो घर में जाकर सर्च करूँगा सोचते हो लेकिन नाम ही पता नहीं तो कैसे सर्च करो, तो उसके लिए है गूगल लेंस आता है। ठीक है ना, या फिर सर्च बाय इमेज बोलते हैं, वहाँ पे अपना जो फ़ोटो है इसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हो सर्च करने के लिए, या तो मोबाइल में आता है गूगल लेंस करके आता है, उसको सीधा आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे फ़ाइल अपलोड है, अपलोड फाइल लिखा है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कुछ भी अपलोड करता हूँ, जैसे कि ये वाला एक फ़ोटो अपलोड करता हूँ, इससे रिलेटेड जितना फ़ोटो रहेगा वो मुझे दिखा देगा। सर्च किया, देखिए सर्च किया, इससे रिलेटेड जितना फ़ोटो सब आ गया। ठीक है, तो ये है
सर्च करने का एक तरीका, कौन सा तरीका, गूगल लेंस का या फिर सर्च बाय इमेज, ठीक है, ऐसा करके ये होता है। अब जितने भी सर्च करते हैं हम लोग गूगल में, वो कहीं ना कहीं स्टोर रहता है, गूगल के सर्वर में तो रहता है उसको, लेकिन हम लोग कैसे देख सकते हैं कि हमने कहाँ पे सर्च किया, तो उसके लिए रहता है हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में जाइए, यहाँ पे देखिए आपने जो भी सर्च किया है, माई आईपी एड्रेस, गूगल लेंस, लोकेशन, ये वो, इंटरनेट, अमेजोन, डॉग, अभिदा, ठीक है, तो सारा चीज़ यहाँ पे रहता है, इसको क्लियर कर सकते हो। लेकिन गूगल के सर्वर, गूगल के सर्वर पे तो रहेगा ना, कौन से कौन से आई पी आई एड्रेस में क्या सर्च किया गया, वो सारा चीज़ रहता है, तो सरागरा ये एक तरीका है। ये तो हमने देख लिया कि हिस्ट्री क्या है, और सर्चिंग में एक चीज़ और रहता है, इनकॉग्निटो टैब रहता है। जैसे आप चाहते हो कि आपका जो सर्फिंग ऑफ प्राइवेट रहे, यानी आपके हिस्ट्री में ना आ जाए, तो उसके लिए आपको करना पड़ता है कंट्रोल शिफ्ट एन, या फिर इनकॉग्निटो टैब बोलते हैं, जिसको मोबाइल में भी आता है, ठीक है, न्यू टैब के बगल में रहता है इनकॉग्निटो टैब। तो इनकॉग्निटो टैब में फिर हम लोग सेम चीज़ सर्च कर सकते हैं, जो भी सर्च करना है, जैसे मैं nowdevidal.gov.in, तो इसमें भी सेम रहता है, लेकिन आपके जो ब्राउजिंग, आप जो सर्च किए रहोगे, वो आपके हिस्ट्री में स्टोर नहीं रहता, इससे आपका काला चिट्ठा बच सकता है।